मैं तुम्हारे बाप से मांगूंगा बेटा। क्या बात है, क्या है? तो भाई आज हमारे साथ ये अंकल जी है और ये इनका लड़का है भाई। और बाप बेटे के बीच इतनी मतलब क्या सुनी हो रखी है, किसी भी परिवार में नहीं होगी शायद वो चीज, मतलब किसी घर में। ये यूं बोल रहे कि भाई जो इसकी पत्नी है वो परेशान कर लग रही है, और ये यूं बोल रहा है कि भाई मेरी पत्नी पर मतलब विश्वास है मैंने। एक बात बताऊं भाई, सब पहली बात मेरी बात सुन ले, जो भी है मतलब कर लग रहा हूँ ना, ठीक है? ये रो रहे थे मेरे सामने, ठीक है? ठीक। जो तेरी पत्नी मतलब इनके को परेशान कर रही है, रो रहे थे इसलिए यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। मुझे पता नहीं ना अभी क्या बोल रहे मेरे पापा। नहीं, एक बात बता, इन्होंने जन्म दिया तो कल क्या है क्या विश्वास करने लग रहा है? सही बात है, मैं जब तक देखूंगा नहीं अपने आंखों से। हाँ, तो मैंने इसको पहले यहाँ बुला, इसलिए यहीं पे आया हूँ कि मैं देखूँ क्या पापा बोल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, कोई नहीं। हाँ अंकल, जो भी आपके साथ हो रही है ना वो ना आपको कैमरे में बता दो एक बार, ठीक है? और इसकी भी आँख खुल जा, ठीक है भाई? सब ध्यान तो सुन लिया, मैं देखूंगा। अब बताओ एक बार। ऐसा था, सब राजी खुशी था घर के अंदर, इसने लव मैरिज कर ली। मैंने बोला कि बेटा लव मैरिज मत कर, वो दिक्कतें आ जाती हैं लव मैरिज में ज़्यादातर। इसने फिर भी कर लिया। हम इसके बाद इसने कहा कि मतलब पापा मुझे लव मैरिज करनी है, मैंने चलो फिर भी करा दी इसकी लव मैरिज। सब अच्छा खासा हुआ, ब्याह शादी बढ़िया हुआ, ठीक है? और उधर इसकी जो मम्मी थी, तुम इससे पहले बीमार थी, वो एक्सपायर पहले हो चुकी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा घर में खुशहाली आ जाएगी। हाँ, तो मैंने चल जाओ ऐसा ये कह रहा है, पैसा कर दो, इसका ब्याह करा दूँ, लव मैरिज करा दूँ। मैंने इसकी कहने पर इसकी लव मैरिज करा दी, शादी करा दी, मतलब कि अब इसने अप्लाई किया हुआ था सर्विस के लिए, अब इसकी जॉब जो लगी है वो बाहर लगी है, ठीक है? तो उसमें क्या है, ये तो बाहर चला गया, उधर बहू है। बहू शुरू शुरू में स्टार्टिंग में तो अच्छी रहती थी घर के अंदर। अच्छा। अब जब से कुछ दिन में इसकी सर्विस बाहर लगी है। आप मतलब कैसे, मतलब क्या दिक्कत हुई आपको बेटा? मैं बताना कर, थोड़ा शांति तो रख, शांति रख, बता रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पता नहीं। सही बात है, मैं इसीलिए देखने आया, इसलिए बुलाया। तो उसमें फिर क्या था, शुरू शुरू में अच्छा रहा, मेरी सेवा करी, चाय पानी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मेरे को टॉर्चर करती है, ताने मारती है, तू कहीं चला जा, बुढ़े मर जा, ये वो किसी की खातिर रहता है, ये वो बोल सकती है। अरे मेरी बात तो सुन ले भाई साहब, मेरी बात सुन ले पहले, इन्होंने बोलने दे, तेरे तब बोलने का मौका दूंगा जब बोलिए। नहीं तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता ना, तभी तो बुलाया था। अब देख भाई, कहते हैं अपने आप पे कर लो, मैंने पहले कही थी वीडियो या बनाने से पहले कि भाई मैंने पूछने दो के बात है। चलो देखते हैं, बोलो। आप तब भी चुप मत बोल रहे, ठीक है? तो मेरी बात तो सुन बेटा। हाँ हाँ बोलो। तो कोई नहीं, यहाँ पे ये दिक्कत आने लगी, फिर मैंने बाहर नोटिस करा, पत्नी शाम को सब्जी लेने जाती है काफ़ी समय में, टाइम बात बात की घंटों, तो फोन पे भी लगी रहती है। उधर फिर प्रॉपर्टी वाली बात जो है कहने लगी कि मेरे नाम करो ये सारी प्रॉपर्टी। क्यों करो भाई साहब, एक बात बता, जब तेरा बाप जिंदा है, तू है, तो कौन अपने मतलब बहू के नाम कराओ? देखो मुझे नहीं पता, ये बोल रहे हैं अब उनको आपने बुलाया। हाँ, कोई नहीं, ऐसा है, मेरी बात सुन, मैं टाइम निकाल के, कोई नहीं, मेरी बात सुन, कोई ना, रुक जा, सब देखूंगा, सब देखूंगा। ऐसा है जी, हमने ना इनके मतलब इसकी वाइफ को यहाँ बुला लिया था, ये बोल के कि मतलब उनको ये नहीं पता कि आए हुए हैं, हर्ष नाम इनका, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर आए हुए हैं। उनको सिर्फ ये बात बोले कि तेरे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे, और उस लालच में आ रही है वो, और कोई लालच नहीं उसको, ठीक है? देखते हैं क्या होता है आगे। और तेरी अपनी आंखों से देख लिया भाई सब, जो कुछ होगा ठीक है, दिखाऊंगा ना भाई। बिल्कुल, मैं देखने इसीलिए आया। हाँ, मतलब उसका ना वेट करेंगे हम, और कैमरा मतलब छिपवा दूंगा, कैमरे की तरफ मत देखना, तेरी एंट्री बाद में कराऊंगा मैं, जब तू सब कुछ देख लेगा अपनी आंखों से, ठीक है? कल क्या एक बार इतना विश्वास मत कर। नहीं सही बात है, मैं देखूंगा, इसीलिए मैं आया हूं कि मैं छोड़ के आऊं, मैं देखूंगा। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो बच्चों की है, नहीं की है, बिल्कुल। कोई ना कोई ना एक बार उसके आने का उनका वेट कर भाई, तब तक ना कैमरा साइड कर ले एक बार। A few moments later. हाँ चल बुड्ढा, तू मरने से पहले मान तो गया, अब बता प्रॉपर्टी का कागज कहाँ लेके आया? प्रॉपर्टी के कागज है, सब मिल जाएंगे, बैठ तो सही। सब मिल जाएंगे, कहाँ है फिर? कहाँ है प्रॉपर्टी का कागज? मिल जाएंगे, घर पे रखे, बैठ। मेरा छोड़, बैठने आई हूँ क्या मैं यहाँ पे? बैठने नहीं आई मैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी खड़ा हो, मैं सब तेरे नाम कर दूंगा। क्या तेरे नाम कर देगा? नाम क्या कर देगा मेरा? नाम क्या कर देगा? नाम क्या कर देगा? मैंने बोला था ना क्या सुधार लाऊं मैं? रात को देख क्लबों में जाती है, घूमने जाती है। क्या चाह रहा है तेरे? नहीं क्या चाह रहा है कि मैं अपने शौक खत्म कर दूं? इसलिए शादी की थी क्या कि तुम घर में रानी नौकरानी बना के रखोगे मेरे को? परेशान तो मेरे को नहीं पता। सब खुशी मिलेगी तो बैठ, क्या खुशी मिलेगी? तेरा ही है, क्या खुशी मिल रही है मेरे को? कोई बात नहीं, मेरे सब मेरा ही है ना तो मेरे नाम कर, मुझे नहीं पता। तो मैं कराऊंगा तेरे साथ। कब कराएगा बेटे को अंत तब मैं करा दूंगा। बेटा अच्छा, बेटा तो नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी नाम नहीं होगी मेरी, और मेरी जरूरतों का क्या? सब तेरे नाम है, तेरे बच्चों के नाम है, सब तेरे। ऐसा है, मेरे बच्चों से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे प्रॉपर्टी नाम का ना मुझे तेरे बेटे से लेने देना, ठीक है? और अगर तू चाहता है ना घर में रहना तो प्रॉपर्टी नाम कर दे, और अदरवाइज ना तेरे को पता है तेरा बेटा क्या है?
ऐसे नचाती हूं उसको ऐसे, पता है क्या बेटा? ताऊजी के बच्चे देख कितने अच्छे चल रहे हैं। अरे तो ताऊजी के बच्चे से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना, मुझे मेरी प्रॉपर्टी से लेना देना है, ठीक है? प्रॉपर्टी दे दे, मैं तुझे परेशान भी करना बंद कर दूंगी। प्रॉपर्टी दे, मुझे नहीं पता। कब देगा? थोड़ा तो अपना सुधार ला बेटा। कब देगा? सुधार ला अपने आप में। क्या सुधार लाऊं मैं? देख तू रात को क्लबों में जाती है, घूमने जाती है, ये गलत है सब। तू क्या, वो ऐसे नहीं होती संस्कारी वो बेटा। क्या संस्कारी बोल रहा है? मतलब तू अब ये कहना चाह रहा है कि मतलब प्रॉपर्टी ना देनी पड़े, तो तू ये कहना चाह रहा है कि मैं संस्कारी नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं संस्कारी नहीं हूं। थोड़ा सुधार या प्रॉपर्टी। सुन मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तू चाहता है ना कि घर में रहे और तेरे घर का तेरे बेटे का घर बना रहे, तो चुपचाप से प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं तो तुम दोनों पे ना दहेज का केस करूंगी और दोनों अंदर जाओगे, समझ गए? अब फटाफट मेरे नाम प्रॉपर्टी, मेरे को नहीं पता, जल्दी तेरे नाम कर दूं। अरे कब करेगा यार, हद हो गई। कब से बोल रही हूँ मैं, ये जैसे तू अब कर दूंगा, अब कर दूंगा, अब कर दूंगा, कब करेगा? अपने घर की इज्जत खराब होती है, हमारी इज्जत खराब। अपने घर की इज्जत, अपने इज्जत। ये प्रॉपर्टी कर दी है ना तू, मेरी मेरा ही, वो सब कुछ मैं। तू क्या अपने क्या कह रहा है? चलो क्या हो रहा है? कौन है ये भैया? कौन है? क्या ये ना दूर 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 क्या बात? क्या मेरी बात? कौन है ये? कौन है ये? ससुर है मेरा। क्या करने लग रहे हो? क्या करने लग रहे हो? बात करो मेरे ससुर से। बैठो थोड़ा दूर होकर बात कर। तू है कौन? बात कर। ये बंदा परेशान हो रहा है। क्या क्या परेशान हो रहा है? कौन ससुर है तेरा ये? हां मेरे ससुर। अरे ये हरकतें कौन करता है? मतलब एक घर की बहू, बेटा अपने घर की इज्जत खराब होती है। तू बैठ नीचे। नहीं मेरी बात सुन, एक बहू ऐसे कौन पकड़ते, गला पकड़ते? मतलब तू सिखाएगा कि मुझे अपने ससुर से कैसे बात करनी है? ये सीख क्या ये तू घर पर? हां मैं यही सीख रही हूं। ठीक है, क्या मांग रही है जी? प्रॉपर्टी मांग रही है। प्रॉपर्टी कर दी है? नहीं प्रॉपर्टी तेरा बाप देगा जा रहा है? प्रॉपर्टी धक्का मत दे, लड़ा का होगा बताओ। तू निकल यहां से, मेरे को तू निकल यहां से। ये होगा तो सुन लेगा, मैं नहीं सुनूंगा। इसको भी भेज, अभी भेज, मुझे तेरे से बात करनी है ना, अभी भेज। तू कहां लेके जा रहा है प्रॉपर्टी? किस चीज की प्रॉपर्टी? मेरी प्रॉपर्टी बाप देगा जा रहा है? धक्के मत दे, मेरा बाप लेके जा रहा है। हट, देखे बाप देगा जा रहा है? हां है, क्या बात हो रही है? मुझे बात करनी है। अगर इसके लड़के ने पता लग गया कि हाँ भाई मेरे बाप के साथ ऐसा हो रहा है, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। तू बताए, जा बता के चल। नहीं नहीं, अगर पता लगा क्या बीतेंगे उसके ऊपर, इसलिए शादी करके लगाए। मेरी बात मानता है वो, मेरी बात सुन, चिल्लाओ मत, बताऊ मैं क्या? धक्का ना दे, खिचका होगा मुंह पर। इसको दूर कर, इसको दूर कर, साइड होकर बात कर। मैं कह रही हूं ना, इसको दूर कर। तेरा मतलब थोड़ी सी, मैंने बुलाया बेटा। हां भाई बुजुर्ग परेशान हो रहा है। क्या परेशान हो रहा है? ये बंदा परेशान हो रहा है, थोड़ा सा बोल मेरी तेरे को। मैं अपने ससुर से अपने हिस्से की जमीन मांग रही हूं, ठीक है? मुझे जमीन चाहिए। सब हो जाएगा, तेरा सब सब तेरा है। तेरा हिस्सा कौन सा? शांति रख, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुन। कौन सा हिस्सा मिल रहा है? कौन सा हिस्सा मिल रहा है? प्रॉपर्टी कैसे चाहिए मुझे? तेरा ससुर जिंदा, तेरा पति जिंदा, तो तुम्हारे माई, तुम्हारे मायके में हो क्या भाई? अपने मतलब अपने भाई, जो तेरे भाई है ना, उनकी बहुओं का नाम करा देना अपनी जमीन। कौन है? तो तू क्या कर रही है? टकरा क्या? तो तू कुछ चिल्ला रहा बीच में आके? तू क्या कर रही है? अच्छा घर का बैठ रही है, ठीक है? चिल्लाना आराम से, शांति में काम कर लो। तू धक्का कैसे दे रही है? हाथ कैसे उठा रहा है? धक्का कैसे दे रही है? ये कौन है? भेज इसको, भेज इसको, अभी मुझे नहीं पता। सब तेरे, अभी भेज इसको। अगर भेज रहा है, मैं तेरे पति बैठ को बुलाऊं? क्या बोल, तू बुला ले। हां जा बुला ले, जा बुला ले, जा बुला ले, जो करना है कर ले, चल निकल, चल निकल। मैं बैठ यहां पे, धक्का मत दे, धक्का मत दे, बुजुर्ग है मैं बता रहा हूं। तुझे जो करना है ना तू कर ले, जा चल। और हमारे घर के बैठ रहे, मैं बता, निकल। ये क्या, ये मतलब कौन है? ससुर है तेरे? ससुर के ऊपर कौन हाथ उठा कर? बता दे क्या हाथ उठा कर? तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? हां तू बढ़िया काम कर, क्या करने लग रही है? मैं ठीक कर रही हूं। ए थोड़ा थोड़ा है करी, तबीज है करी तेरे अंदर, मत किया कर। तू मेरे हाथ में दूर हो जा, मेरे हाथ में दूर दूर लग जाएगी। तू इनको भेज रहा है? इनको भेज रहा है? भेज रहा है? नहीं भेज रहा है? मैं भेज रहा हूं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये हमारे घर के बैठे तुम्हारे बाप से मान बेटा। क्या बात है? क्या है? मैं उधर देख रही हूं। क्या वो कैमरा लग रहा है? अरे उसमें ना जो तू गला पकड़ रही है, क्या बोल रही है कि मैं अपने मतलब पति को उंगलियों पे नचाऊं, ये बातें बोल रही है? आप सबको ना उसमें कैप्चर हो रहा है। अरे एक एक चीज ना आप दिखाऊंगा तेरे पति को मैं, मतलब शर्म तो आई नहीं रही आप बुजुर्ग है? मुझे नहीं पता, मैं कैमरा बंद कराऊंगा आराम से। इज्जत में बोल, इज्जत में बोल, जूता उतार के मारूंगा। इज्जत में बोल, मैं करा दूंगा सब बंद। इज्जत में बोल, इज्जत में बोल। अरे ये नहीं फैलाऊंगा इस वीडियो को, तेरे माई के तेरे भाई सबके पास जाओगे ना जब जब पता लगेगा क्या हो रखा है। जमने दिखाई दी थी इज्जत? इज्जत क्या चीज होती है? मैंने तो खुद समझा था, समझ में आ रही थी। कैमरा दिखा तो सब कुछ दिखने लग गई। नहीं जब की क्या बात, अभी सब कुछ नहीं समझ में आ रहा। प्लीज अपने घर की इज्जत का सवाल है। मेरी बात रुक,
मैंने ना पहले बुला लिया तेरा पति, और वो ना सब ये क्लिप दिखाऊंगा उसको, इसको पता नहीं, नहीं, दिखाई नहीं दे रही थी। पापा प्लीज मना करो, मेरे को इतना जीना हराम कर देता तूने मेरा बहुत ज्यादा। प्लीज नहीं नहीं मत मत करो ना, मत करो फोन मत। तेरे को मैंने वो समझा दिया, इधर मत जा उधर मत जा, समझाऊंगा सब समझाऊंगा। ये क्या हो रहा है, समझाने की बात क्या हो रहा है यहाँ पे देख ले। कुछ नहीं, तुम्हें इस चीज के लिए छोड़ के गया था मैं घर पे, इस चीज के लिए छोड़ गया था। इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं है, इसे जब शर्म नहीं आ रही थी। सेवा पानी के लिए छोड़ के गया था, मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे पता है मैं कैसे कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया, हर्ष प्लीज मेरी बात सुनो। मैं सब देख रहा हूँ, तू कह रही मैंने कुछ नहीं करा, इस चीज के लिए तेरे को छोड़ के गया था मैं कितना परेशान हूँ मैं जानता हूँ, कितना परेशान करा मुझे। मैं अपने पापा को झूठा ठहरा रहा कि ये गलत, ये सही है सही है, और तू तो गलत ही कर रही है। हैं, ये कोई तमीज है बात करने की? बोल अब, अभी तू तो बहुत बोल रही थी। ना ना प्रॉपर्टी ले ले, ना मेरे को नहीं। तेरा बाप देगा जा रहा प्रॉपर्टी, बकवास कर रही इतनी देर तक। पापा प्लीज बोलो ना, माफ कर देंगे, सॉरी। नहीं क्या माफ कर दूं मैं, क्या फायदा माफ, क्या माफ कर दूं, माफी मांगने का क्या फायदा? तेरी वजह से घर खराब होने लग रहा है। मैं तो तेरा अच्छा भला, तू सेवा पानी कर रही है, तू तो कहीं और ही। समाज में कोई इज्जत नहीं दिखाई दे रही हमारी, क्या इज्जत होती है क्या नहीं? तेरी बेइज्जती होगी तब तक को पता चलेगा। गलती क्या होगी, गलती क्या हो गई? ये कोई तमीज है बात करने की? देखो इस चीज के लिए छोड़ के गए थे कि तू सेवा पानी करेगी, और ये नहीं सुधरेगी, इसका तो प्रॉपर्टी चाहिए। ऐसे कोई इज्जत होती है क्या नहीं? क्या इज्जत होती है क्या नहीं? बेइज्जती करा रही है हमारी, अपने घर वालों के साथ ही ऐसा कर रही है, अपनी माँ के साथ भी ऐसा करती है, अब मुझे प्रॉपर्टी है, अपने बाप के साथ भी ऐसा करती है, घर में प्रॉपर्टी मांगती फिरती है। अब प्रॉपर्टी की बात की नजर आ रही है, तुझे सच दिखाई दे रहा कैमरे के आगे तेरा, कितनी नालायक बदतमीज है तू। बस हो गई तेरी, सॉरी क्या होता है, एक बार बोल दिया, ढंग से बात कर, ढंग से बात नहीं हो रही तेरे से, तेरे को छोड़ के गया ना, अब पता लग गया भाई विश्वास तने क्या बोल रहा था मैं, पापा ऐसी नहीं कर सकती वो अपने, मतलब कल की आई पे तो विश्वास कर, जिसने जन्म दिया उन, उनका कोई वो निशान गुण नहीं तेरे, इसी यही 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 सुनने को मिल रहा। अब अपने बाप को गलत ठहरा दिया मैंने तेरी वजह से, अब सॉरी का क्या मतलब है, क्या मतलब है यहाँ पे? मैं वीडियो फैलाऊंगा, ये वीडियो ना तेरे जब पता लगे ना पास पड़ोस में, ये सब पता लगना चाहिए। प्लीज क्या होता है, अब करने से पहले सोचा था, क्या कर रहे हो तुम ये? क्या कर रहे हो तुम ये? ये सब रोको ना पापा, प्लीज रोको ना, नहीं अब कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है सब करने का, अब कुछ मतलब नहीं है करने का। तू सुधरने वाली औरत है ही नहीं, मैं सुधर जाऊंगी, क्या करेगी? पापा प्लीज बोलो ना, पापा बेइज्जती आगे से ऐसी गलती तो नहीं करेगी, तू सुधरने वाली औरत ही नहीं है, सॉरी ना, तू सुधरने वाली औरत नहीं है, सॉरी गलती हो गई, पैर पकड़ के माफी मांग, सॉरी पापा, और अगली बार से ना ऐसा होना, आगे से ऐसे मत करियो, ठीक है? ठीक है, अपने घर की इज्जत होती है, ऐसे इज्जत का ख्याल रखो, ये अपने घर की बेइज्जती है। तू ये घूमना घूमना सब बंद कर दे, अपना साड़ी पूजा पाठ कर, घर में ध्यान लगा, बीवी बच्चों में ध्यान लगा अपना। अच्छा भला खाना पीना मिल रहा है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगी पड़ी, प्रॉपर्टी तो सब तुम्हारी है बेटा। पापा नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए मुझे, माफ कर दो, मैं आगे से सुधार ला दूंगी अपने अंदर, आगे से ये सब छोड़ दूंगी। तूने मुझे रोटियां तक नहीं दी अपने घूमने में, तूने केवल ध्यान लगाया, सॉरी, मैं कितना परेशान था, ये सब मैंने सीरियसली करा तो सुधारने के लिए, सॉरी बस गलती हो गई, प्लीज हर्ष को बोलो और ये वीडियो करवा दो, हर्ष प्लीज ना ये वीडियो नंबर, तू पहले घूम ले बाहर जाके, पहले घूम ले, तू पहले घूम ले बाहर में घूम ले, तू ऐसा कर रही है घर पे पापा बैठे सेवा करने के बजाय तू ये सब कर रही है। पापा इसको बोलो प्लीज, अभी जब मैं कुछ नहीं जानता ये को यही करेगा जो करना है, प्लीज मान जाओ, प्लीज सॉरी गलती हो गई, अगली बार से करेगी नहीं ऐसा, दोबारा पैर पकड़ के माफी मांग पहले, सॉरी पापा, पापा गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज पापा, चलो है अपनी वही छोड़ माफ करो इसे, और आगे से ऐसी गलती मत कर दियो, समझ में आ गई है बात, बार बार नहीं समझाएगा कोई यहाँ पे। हेलो मन, क्या हाल चाल अभी सबके, तो भाई कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना भाई, और बहुत कम ऐसे वीडियोज होते हैं भाई जिसके लिए हम शेयर के लिए बोलते हैं भाई, इसको आपको शेयर करना होगा, और भाई जो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो तो सब्सक्राइब, नीचे एक बेल आइकन भी होगा वो भी दबा लेना, और सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सपोज या प्रैंक वीडियो में, तब तक के लिए भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम होगा, यहाँ पे हमें फॉलो कर लो, बातचीत करेंगे, राम राम।